मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी इंदौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनने का दावा किया। साथ ही कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे बात करेंगे। मालवा निमाड़ में कितनी सीटें आई है? मालवा निमाड़ में आप दौरे भी करने लगातार, कितनी का सीट आप दौरा आएंगे और आदिवासी समाज भी लड़ रहा है चुनाव? मालवा निमाड़ में हमारे उम्मीदवारों के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में है और मालवा निमाड़ की हम सभी सीटों पर बहुत बेहतर पोजीशन में है और हम मालवा निमाड़ की अच्छी से बेहतर सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जेएस पार्टी भी कही है उसको लॉन्च किया गया है? जेएस पार्टी नहीं, वो सामाजिक संगठन और समाज के युवाओं को भ्रमित करके कांग्रेस के हाथों बिक चुका है, वो भारत राष्ट्र समिति के हाथों बिक चुका, आम आदमी पार्टी के हाथों बिक चुका है। कांग्रेस के बी टीम के रूप में जयेश ने काम किया है हमेशा और आज कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी द्वारा पहले सभा भी ली गई थी, उसमें आप बता रहे थे किसी को आपको बताया भी ना कि कुछ नहीं थे, आप बोल भी रहे थे। देखिए, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में झूठी गारंटी लेकर घूम रही है, जिनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर उनकी गारंटी होती तो 60 साल में देश का विकास कर दिए होते। अगर उनकी गारंटी विकास की होती तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है हमारी केंद्र की और राज्य की, वो आदिवासी भाइयों और बहनों को पक्के मकान मिल जाते, पक्की सड़कें मिल जाती, जल जीवन मिशन में नल मिल जाते, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल जाता उनको, किसान सम्मान निधि मिल जाती, लाडली बहनों को लाभ मिल जाता, लाडली लक्ष्मी को लाभ मिल जाता। कांग्रेस से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि 60 साल तक आपने किया क्या था? आप सिर्फ झूठे वादे लोगों को करते रहे, आदिवासियों को भ्रमित करते रहे और अब मध्य प्रदेश में जब प्रियंका जी दौरा कर रही है तो उन्होंने सबसे बड़ा अपमान हमारे आदिवासी समाज का किया है। वो खुद कुर्सी पे बैठे, टेंट के नीचे बैठे, छाँव में बैठे और हमारे भाइयों और बहनों को धूप में नीचे बिठाया, आपने मिट्टी में बिठाया, कंकड़ पत्थर में बिठाया। प्रियंका जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि इस अपमान का बदला हमारा समाज जरूर लेगा। आपने भी एक भाषा बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोल के बताएंगे? मारा भाषण भणस्या एना कांग्रेसियान चक्कर में घुण्या होता, कांग्रेसिया हमेशा लुच्चाई मेले, 60 साल तक है गया झूठ मेकता मेकता, आपनों काम नहीं करी ना पाए, नहीं तो प्रधानमंत्री घरे बना ना पाया, पाकला घरे भी अमुक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपलू है, सड़क भी नरेंद्र मोदी आपलू है, अमुक आज कोविड में इलाज कराने टीका भी देशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपलू है रे मारा दादा, हेमे आपनों का जे कमलन फूलन बटन डाबण है, मोदी बाबा ने हाथ भी मजबूत करना है, शिवराज सिंह चौहान ने हाथ भी मजबूत करना है और इनो कांग्रेसिया का जे हेमे देख पूज्यो कि तुम 17 साल तक हमारो काम कहाँ नहीं करिया, इना लुच्चान ने झूठान वाये नहीं लागना है, आपनों का जे भारतीय जनता पार्टी का जे जिताड़ना है। कितनी सीटों का दावा करते हैं, लगातार दौरे भी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कई गुना, बहुमत से कई अधिक सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएगी।